पति पत्नी के झगड़े में पड़ोसी के 7 वर्षीय बच्चे की लगी गोली, मौत। मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र के हिमगिरी कॉलोनी में पति पत्नी के विवाद में 7 साल के बच्चे को गोली लग गई। गोली लगने से इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई, जबकि बच्चे की मां भी घायल है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हिमगिरी कॉलोनी में खूब सिंह की पत्नी ममता से विवाद हो गया था। गुस्से में आए खूब सिंह ने अपनी पत्नी ममता पर फायर कर दिया, लेकिन गोली ममता को न लगकर सामने खेल रहे 7 साल के पुनीत को जा लगी। वहीं कुछ छर्रे पुनीत की मां रचना को भी लगे हैं। आनंद फानंद में घायल पुनीत को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि पुनीत की घायल मां का इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद भारी फोर्स और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जबकि गोली मारने के आरोपी खूब सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मेरा अजय कुमार नाम है। ये सर मैं जो अपनी साइट पे था, टाइल पत्थरा गांव में मेरा, मैं साइट पे था, हमारे पीछे ये दुर्घटना हुई है। हमारे बच्चे छत पे खेलते हैं रोज, आज भी खेल रहे थे। हमारे जो सामने वाले हैं रोज ही लड़ते हैं, उनके बच्चों की भी आदत खराब है, उनकी भी आदत खराब है, और हमसे हमेशा रंजिश रखते हैं। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, उसने जो पहले ही बंदूक निकाली थी, और उसका छोटा भाई है जिराज, वो भी तमंचे लेकर घूमता है, वो भी दिखाता है कि हाँ हम तमंचे वाले हैं। हमसे पहले से रंजिश रखते हैं, और अचानक ही क्या हुआ, अचानक हमारे बेटे के ऐसा गोली, ऐसी जगह गोली मारी जो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया। उसकी माँ के भी गोली लगी है, हाँ लाइसेंस ही है, और उसकी माँ की भी सीरियस हालत है। वजह का पता नहीं है, मैं घर पर नहीं गया हूँ, मैं यहाँ पर ही आया हूँ डायरेक्ट, अभी वजह पूरी नहीं पता चली है। वो इतना पता है कि हमेशा लड़ते हैं वो, हाँ वो उसका बाप है, वो अपने बाप की मानते नहीं है उसके बच्चे, और हमेशा मनमानी करते हैं अपनी। लाइसेंसी हथियार ये जो है, एक तो ममता है, एक खूब सिंह है, दीपक है और जिराज है। अवैध वाला जो है जिराज ने निकाला था, एक उस पर और है जी। हाँ पुलिस को बता दिया है, कंप्लेंट कर दी है। ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र में ये एक व्यक्ति है जिसका अपने घर में विवाद चल रहा था, और इसने अपनी लाइसेंस से बंदूक से इसने फायर किया, जो सामने वाले घर की छत पे एक बच्चे और एक महिला को लगी, जिसमें बच्चे की अभी हॉस्पिटल में भर्ती हो गई है और महिला का भी इलाज चल रहा है। इसमें जो आरोपी है, इसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।